छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक घोटाले के जांच की फाइल एक बार फिर खुलने वाली है। हाईकोर्ट ने इस मामले की फिर से जांच करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के गबन के प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के जाँच की अनुमति दे दी है। लगभग 17 साल पुराने इस मामले की फाइल ठीक विधानसभा चुनाव से पहले खुलने की खबर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का मामला जब सामने आया था तब मैनेजर के नार्को टेस्ट में घोटाले से जुड़े सफेद पोशों के नाम सामने आए थे जो पिछली सरकार में बेहद प्रभावशाली थे, इसलिए चुनाव से पहले उसकी जांच की अनुमति मिलने से अटकलें तेज हो गई है। प्रियदर्शनी बैंक घोटाला 2007 में बैंक प्रबंधन एवं संचालक मंडल के सदस्यों ने मिलकर 54 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का घालमेल किया। पुलिस एवं न्यायालय द्वारा जब बैंक प्रबंधक उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट कराया गया तो उन्होंने खुलासा किया कि मामले को दबाने के लिए मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 4 मंत्रियों को करोड़ों रुपए की घूस दी गई थी। देखिए बैंक प्रबंधक उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में क्या कहा। कितना पैसा आपको मिला था, फ्रॉड में कितना पैसा मिला? अब बैंक के जानकारी के हिसाब से मैडम मैं पढ़ा हूँ, मैं तो क्या पहले दिन से अरेस्ट हुआ हूँ, वहाँ कितना फ्रॉड हुआ नहीं मालूम। लोग कहने 18 करोड़ पर लोन हुआ है, इसमें जो है 25.9 करोड़ रुपये रीता तिवारी को दिया हुआ है, 2 करोड़ रुपये सविता शुक्ला ली है, 2 करोड़ रुपये कांति उपाध्याय, 1 करोड़ रुपये शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं, 1 करोड़ रुपये रामविचार नेताम जो हैं उनको दिया हुआ है, वो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री और ठेसले उनका दिया हुआ है, 1 करोड़ रुपये लोकल जो ब्रिज मोहन अग्रवाल जो वहाँ के वो हैं MLA है उनका NHB उनको दिए 1 करोड़ रुपये रामविचार नेताम को दिया हुआ है और 1 करोड़ रुपये अमर अग्रवाल वित्त विभाग में थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका जो 1 करोड़ रुपये DGP OP राठौर को दिया हुआ है, 19 करोड़ रुपये का लगभग इतना हो जाता है। इसने खुद मुख्यमंत्री के पास जाके बात किया था क्या? तिवारी मैडम ने कहा था कि ये बैग है इसमें 1 करोड़ रुपये है, उसको पहुंचा दे उसको, मैंने पहुंचा दिया था। किसको पहुंचाया? मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री को दिया था। जाके उसको दिया था क्या? जी उसको PA को दिया? नहीं, उनके सीधे डायरेक्ट रमन सिंह को दिया था। उसका घर गए थे या ऑफिस में दिया था आपने? नहीं, घर ऑफिस एक ही है उनका। हाँ, मैं दिया था। हम लोगों ने कुछ फिजिकल असॉल्ट किया है क्या तुमको अभी नाटकों में कुछ किया है? हम लोगों ने कोई फोर्सफुल नहीं किया है। सविता शुक्ला मैडम का लड़का राहुल शुक्ला है। हाँ। जेल में आते थे मेरे से मुलाकात करने, हम लोग मेरे धमकी दिया करते थे कोई भी टेस्ट वेस्ट मत कराना ऐसा ऐसा। अच्छा, इसलिए आपको डर था क्या? जी मैडम, वो तो निकलने नहीं देंगे मैडम, मेरे जेल से क्या जेल से निकलने नहीं देंगे।